इनफ ऑफ टॉक, इट्स टाइम फॉर एक्शन. तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि कोई सेशन नहीं है, कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, यहाँ पर कितने लोग हैं जो जेन्युइनली अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पूरा सुन लो कुछ कंडीशंस हैं. अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और उनको बिल्कुल क्लियर आइडिया भी है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, और उनको कॉन्फिडेंस भी है कि वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं. कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं. तो क्या वजह है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ. हम तीन दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस चालू किया था, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग का. दो अलग हो गए मनी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि बैकडोर पैसा लगाने के लिए नहीं था. कितने लोग हैं जिनको मनी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आप सब बैठ जाइए. आपको क्या प्रॉब्लम है? सर, अंदर के डर के कारण. डर है, ओके. आई हैव कम फ्रॉम मुंबई एंड आई गॉट इनटू स्वीट्स एंड आई हैव कम अप विद अ कंप्लीट डिफरेंट रेंज ऑफ स्वीट्स एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, कैंड स्वीट्स. ओके. वेयर आई नो आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी बिग, बट माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर लॉ डोंट बिलीव इन मी. दे थिंक आई एम जस्ट टॉकिंग, बट आई नो आई कैन डू इट. तो सपोर्ट नहीं है बेसिकली? नो, नॉट सपोर्ट, बट दे थिंक बिकॉज़ आई एम अ लेडी आई कांट डू इट. अच्छा. कॉन्फिडेंट कि मैं आगे चल के लोगों को मैनेज कर पाऊंगा या नहीं? टीम को मैनेज कैसे किया जाता है इसकी नॉलेज नहीं है आपके पास में, राइट? वहां पर जाकर के आप स्टक हो गए. मैंने आपसे इंस्पायर्ड होके एक वेबसाइट बनाया है एक साल पहले. तो सर, उस वेबसाइट में प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, उसके सर्विसेज भी अच्छे हैं, बट मुझे प्रॉब्लम होती है उसके पैकेजिंग में एंड मार्केटिंग में कि हाउ टू. नाम बता दो, मार्केटिंग तो हो ही जाएगी यहाँ पे. saddabazaar.com. हाँ, क्या नाम है? saddabazaar.com. साड्डा बाजार. सट्टा बाजार तो नहीं है ना? मैं अंदर हो जाऊंगा, लोग सट्टा खेलेंगे और मेरे को पकड़ के ले जाएगी पुलिस. एनी हाउ, saddabazaar.com. ठीक है जी. हाँ. तो सर, उसके पैकेजिंग में और मार्केटिंग में मुझे प्रॉब्लम आती है कि मैं अच्छा मैनेज नहीं कर पाता उसमें, मैं जीरो हूँ बिल्कुल. अच्छा, तो बेसिकली नॉलेज की प्रॉब्लम है. सो अगर अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी कुछ सबने कहा है, उसको मैं सम अप करूं, एक पहली प्रॉब्लम है नॉलेज और एक्सपीरियंस की, दूसरी है सपोर्ट की, कि ऐसे लोग तो बहुत हैं जो आ करके हमको नीचे गिरा रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, कह रहे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगा, ये है वो है, हमारे फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दुनिया है जो बोल रही है कि अरे नहीं हो सकता. लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आ करके हमें बोलते हैं कि तू कर सकता है, बस इतना ही काफ़ी होता है. तीसरी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो है पैसे की प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम. क्या हो अगर किसी तरह से आपकी तीनों प्रॉब्लम्स अभी यहां पर इसी वक्त सॉल्व हो जाए, क्या होगा? मजा आ जाएगा. तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ. ये है रेवोल्यूशन इंडिया. दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो सपने बहुत देखते हैं बड़े बड़े कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जब करने की बारी आती है ना, वो पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपना खोना कुछ भी नहीं चाहते, करना कुछ नहीं चाहते, बातें बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं. दूसरी तरह के लोग हैं जो वो करने के लिए, जो वो करना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, दिन रात काम करने को तैयार है, अपनी जान लगाने को तैयार है. अगर आप इस दूसरी कैटेगरी में हो तो रेवोल्यूशन इंडिया आपके लिए है. तो करना क्या है? बहुत सिंपल है. रेवोल्यूशन इंडिया की एक वेबसाइट है www.revolutionindia.in. वहां पर आपको जाना है, एक फॉर्म है बड़ा सा, उसके अंदर आपका जो भी बिजनेस प्लान है, जो आइडिया है कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, उसको जा करके भरना है. और फाइनली जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसमें से 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग तरह के लोगों को, और उन सबको 10-10 लाख रुपये मिलेंगे अपने सपने को सच करने के. और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम नॉलेज एक्सपीरियंस और सपोर्ट की भी है. तो मैं पर्सनली, सिर्फ इतना ही नहीं, उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, मैं पर्सनली उनको हर स्टेप में गाइड करूंगा. मेरी जितनी भी नॉलेज है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, वो सब उनके साथ अपने पूरे दिल से शेयर करूंगा उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए.
अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार चलो यहाँ तक तो समझ आता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या मिलने वाला है। आप ये बताओ कि आप क्यों कर रहे हो, आपका क्या मोटिव है, क्या मकसद है, क्या वजह है, क्या पर्पस है। तीन वजह। सबसे पहली, आज तक मैंने अपने जितने भी सेमिनार्स में, जितने भी सेशंस में जो कुछ भी कहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सब सच है, वो डायरेक्ट मेरे दिल से निकला हुआ है। लेकिन वो सारी बातें सच होने के बावजूद भी सिर्फ बातें हैं। उन बातों को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, मतलब के बिना कोई गलत काम किए सही रास्ते पर चल करके नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचा जाता है, आगे कैसे बढ़ा जाता है, वो आप सब अब प्रैक्टिकली देखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 लोग जो शॉर्टलिस्ट होंगे, ये जो भी काम करेंगे अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग फील्ड्स में, इनके साथ मेरी जितनी भी बातें होंगी या ये खुद जो भी करेंगे, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और YouTube पे अपलोड होगी सबके लिए। जब ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी YouTube के ऊपर, तो ये बिल्कुल एक फ्री ऑनलाइन MBA कॉलेज के जैसा होगा, एक ऑनलाइन MBA कॉलेज। बस एक छोटा सा फर्क होगा एक MBA कॉलेज में और यहां पर, कि यहां पर कोई थियोरेटिकल बात नहीं होगी, कोई लेक्चर नहीं होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल, रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ चैलेंजेस, रियल लाइफ सक्सेस, रियल लाइफ फेलियर्स। सिर्फ सक्सेस ही नहीं, रियल लाइफ फेलियर्स। मतलब हमको सिर्फ ये नहीं समझ आएगा इन वीडियोस को देखने के बाद में कि क्या करने से हमारे चांसेस बढ़ते हैं सक्सेसफुल होने के, ये भी समझ आएगा कि क्या करने से हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस घटते हैं और फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई भी आज बिजनेस कर रहा है या फ्यूचर में करेगा और वो कहीं पर भी जाकर के अटकेगा, तो उसके हर सवाल का जवाब इसके अंदर होगा। और सबसे बड़ा फर्क पता है क्या होगा, आज जो हो रहा है इस दुनिया में उससे अलग क्या होगा रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर। रेवोल्यूशन इंडिया की जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, जो नींव है, वो लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है, वो शेयरिंग है। शेयरिंग है मतलब कि ये बिजनेसेस सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, इंप्लॉइज के बारे में भी सोचेंगे, दुनिया के बारे में भी सोचेंगे। और जब ये होगा तो दुनिया बहुत अलग होगी उससे जो आज है। यह है पहली वजह इस काम को करने की। अब है दूसरी वजह, इन बिजनेसेस में से जितने भी प्रॉफिट जनरेट होंगे उसमें 50% शेयर आपका होगा, मतलब कि उस आदमी का जो उस बिजनेस को कर रहा है, फेयर है, और बाकी का 50% चैरिटी में जाएगा। चैरिटी में जाएगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो हमारे देश के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके फ्यूचर के लिए काम कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जाएगा। जैसे क्राय है, आपने सुना है, क्राय का नाम सुना है, और ऐसी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनके पास में पैसे की कमी है, तो वो सारा पैसा यहां से वहां चला जाएगा। और ये मेरी एक्चुअल मोटिवेशन है इसके अंदर अपनी जान लगाने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी बदलना चाहते हैं ना, तो उसके दो रास्ते हैं हमारे पास में, एक है टेम्प्रेरी सॉल्यूशन, एक है परमानेंट सॉल्यूशन। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कड़वी भी लगेगी, लेकिन सच है। टेम्प्रेरी क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी कुछ हम चाहते हैं कि जो बदलाव आए सोसाइटी में या जो डेवलपमेंट हो, जो भी कुछ अच्छा हो, उसके लिए हम एक हीरो को खड़ा करें, एक ऐसे आदमी को चुने जिसको ला करके हम आसमान पर बिठा दें और बोलेंगे ये आदमी बदलाव लेकर के आएगा, ये आदमी ये करेगा, ये आदमी वो करेगा, मतलब कि उसको हीरो बना दें, मसीहा बना दें, भगवान बना दें, और कहें कि बस यही है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन निकलेगा उससे भी, लेकिन वो टेम्प्रेरी होगा। कितने दिन तक इससे वो आदमी कुछ दिन तक काम कर पाएगा, कुछ हफ्तों तक काम कर पाएगा, कुछ महीनों तक काम कर पाएगा, लेकिन जैसे ही जब तक वो वही कर रहा होगा जो आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जब तक वो वही कर रहा होगा तब तक तो ठीक है, जैसे ही उससे कोई गलती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे,
क्रिटिसाइज करेंगे? अरे सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उस आदमी को आसमान से उठा करके जमीन पे फेंकेंगे, उसको थप्पड़ मारेंगे, और अगर थप्पड़ नहीं मारेंगे तो अपने दोस्तों को फोन करके बोलेंगे देखा भाई तूने टीवी पे। करेंगे नहीं करेंगे? जब तक एक आदमी 6 छक्के मार करके एक ओवर में हमको वर्ल्ड कप जिता रहा है तब तक तो ठीक है, जिस दिन उससे एक छोटी सी गलती हो जाएगी अरे घर पे जा करके पत्थर फेंकेंगे उसके। मतलब 1 मिनट में किसी को भी हीरो बना दिया, अगले दिन उसको जीरो बना दिया, फिर किसी और को ढूंढेंगे, किसी और को हीरो बनाएंगे, फिर उसके साथ भी यही करेंगे। कब तक वो आदमी काम कर पाएगा? टेम्पररी सॉल्यूशंस, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, बस खत्म। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक है, हम सबको, मुझे और आपको, हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच को एक सही डायरेक्शन देनी होगी। जो उंगली हमने गलत डायरेक्शन में रखी हुई है उसको चेंज करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन को। वो आदमी चेंज करेगा, वो आदमी बदलाव लेकर के आएगा। अरे वो कुछ करता क्यों नहीं है, वो अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहा, वो तो कुछ ना कुछ करेगा। अरे इस उंगली को पकड़ करके ऐसे मोड़ना है और यहां ला करके रखना है और बोलना है मैं बदलाव लेकर के आऊंगा, मैं कुछ चेंज करूंगा, मैं कुछ करूंगा, चाहे छोटे से छोटे लेवल पर करूंगा लेकिन मैं कुछ करूंगा। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है सिंपल सा, कि अगर सोच ही बदलनी है तो सीधा बड़ों की क्यों नहीं, बच्चों की क्यों, यूथ की क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, जितने भी सेमिनार्स करे हैं, जितने भी सेशंस करे हैं, उसमें मेरा सारा फोकस कहां पर है? यूथ पर, बच्चों पर, ना कि बड़ों पर। क्यों, कोई बताएगा ऐसा क्यों? क्यों हमको बच्चों पे फोकस करना है और बड़ों पे फोकस नहीं करना? एक कि अगर हमको फ्यूचर बदलना है तो उसका और कोई रास्ता नहीं है, हमको बच्चों पर ही फोकस करना पड़ेगा। और परमानेंट सॉल्यूशन है कि अगर बच्चों की सोच बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। और जो छोटे होते हैं बच्चे, they are fast learners. Let's give a big hand for them. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इन्होंने जो बात कही है ना वो बैंग ऑन है, सीधा जाकर के नेल को हिट किया है। वो फास्ट लर्नर्स होते हैं। आप इमेजिन करो एक दीवार है, बड़ों की दीवार, उस पर लाखों वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाखों वर्ड्स, और सिर्फ लिखे हुए नहीं है, गड़े हुए हैं, अंदर तक गड़े पड़े हैं। तो अगर उन वर्ड्स को हटाना है और वहां पर कुछ नया लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, या किसी को भी क्या करना होगा? पहले उन वर्ड्स को हटाना होगा, फिर हम कुछ नया लिख सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, खेल है, हटाओ और लिखो। प्रॉब्लम कौन है इसके अंदर? वो आदमी जिसकी की वो दीवार है। वो हाथ लगाने को तैयार नहीं है, हटाना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ 5-10% लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग इतना खुला हुआ है कि वो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो जो सोच बन गई बचपन में उनकी, बस बन गई कि मेरी दीवार पर जो लिखा हुआ है वो सब सही है। अरे सामने वाले की दीवार देखो जाकर, उसकी सोच देखो, उसकी सोच कितनी खराब है, पहले उसको चेंज करो फिर मेरी करना। उसके पास जाओ भाई, पहले उसकी करो, मेरी सही है, उसकी देखो कितनी गंदी है, वहां देखो कितने गंदे गंदे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वहां देखो वहां है प्रॉब्लम, यहां नहीं है, सब उधर उधर उंगली कर रहे हैं, वो वहां कर रहा है, वो वहां कर रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो बच्चों की दीवार है, यूथ की दीवार है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल प्योर है, उस पर जा करके हमको गाड़ना है अच्छे अच्छे वर्ड्स को, अच्छाई को गाड़ना है उस दीवार के अंदर बचपन में ही अच्छे तरीके से, हजारों वर्ड्स लिखने, ताकि जब वो बड़े हो और कोई वहां पर बुरे वर्ड्स लिखने की कोशिश करे जगह ही ना हो, जगह ही ना हो। और जब ये बच्चे और ये यूथ जब आगे आएगा, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो ये हमारी दुनिया कैसी होगी? सोचो, सिर्फ इंडिया नहीं, ये दुनिया कैसी होगी जब हर आदमी बजाय दूसरे को बदलने के, दुनिया को बदलने के, खुद को बदलने के बारे में सोचेगा,
बजाय बाहर देखने के अपने अंदर झांक करके देखेगा और सच बोलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। सामने वाले ने तो जो करना है करना है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको बदलने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदलेगा और यहीं से शुरुआत होगी, ऐसे ही चेंज आएगा। तो करना क्या है? ये टास्क छोटा नहीं है, ये टास्क बहुत बड़ा है और इसमें दो लेवल्स पे हमको काम करना है। एक लेवल है जिस पर काम चल रहा है बहुत टाइम से, पिछले कुछ सालों से मैं काम कर रहा हूं और करता ही रहूंगा, आगे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, मेरी पूरी की पूरी टीम है और इतने सारे लोग हैं जो सब लोग काम कर रहे हैं। किस तरह से कि जो लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार आप में से कितने लोगों ने देखा है? ऑलमोस्ट सबने देखा है। उसकी लाखों डीवीडीज इस टाइम इंडिया के अंदर कुरियर हो चुकी है और लोग देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास में हजारों स्कूल से और कॉलेजेस से फीडबैक आ रहे हैं, वहां पर एक नई चीज शुरू हो गई है। वो स्कूल्स और कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर लगा करके ग्रुप में 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को वो सेमिनार दिखा रहे हैं और उनके बिहेवियर में चेंजेस आते चले जा रहे हैं, उनकी सोच बदलती चली जा रही है, उनकी सोच एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ये है एक लेवल, ये काम भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक लेवल है, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है, ये हाफ ऑफ द सोल्यूशन है। सेकेंड हाफ क्या है, दूसरा लेवल क्या है? ये तो उन लोगों के लिए है, ये जो पहला लेवल है, जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हैं या जिनके पेरेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हैं या उनके घर पे इंटरनेट है। तो दूसरा लेवल क्या है, ऐसे बच्चे, और ऐसे एक नहीं दो नहीं करोड़ों बच्चे हैं हमारे इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जिनको पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही है। ऐसे बच्चे या नहीं है? सोचो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो रही, कि हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से चेयर पर बैठे हुए हैं, घर पर बैठ करके टीवी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं और उस बच्चे को सिर्फ एक टाइम खाना मिल रहा है। तो ये दो लेवल्स हैं, अगर इन दोनों लेवल्स पे हमने पैरेलली काम किया और अच्छे से काम किया तो परमानेंट सॉल्यूशंस निकल करके आ सकते हैं। एक भी लेवल को हमने छोड़ा तो सब टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस होंगे। सोचो एक तरफ से तो जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में सेशंस देख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनकी सोच एक नई डायरेक्शन में जा रही है, वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं, इन बच्चों को मशीन्स की तरह यूज कर रहे हैं, इनसे जो चाहेंगे वो करवाएंगे। तो कैसी होगी हमारी सोसाइटी, कैसी होगी वो दुनिया जब ये बच्चे निकल निकल करके हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे और फैल जाएंगे, जो गलत डायरेक्शन में जा चुके होंगे बचपन में। तो हमको दोनों लेवल्स पे काम करना है और रेवोल्यूशन इंडिया का काम सेकेंड लेवल का है। सबके अंदर एक अच्छी खबर भी है, तो इसलिए इतनी सीरियस शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हंस सकते हो। एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर यह है कि ऐसी एक नहीं दो नहीं हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है, कुछ बहुत अच्छा कर रही है इन बच्चों के लिए, इस सोसाइटी के लिए। हैं ऐसी बहुत सारी है, और मैं जा करके जब मैं उनसे मिला और मैंने समझा कि किस तरह से वो उनके राइट्स के लिए लड़ रही हैं, किस तरह से उनकी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, किस तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कर रही हैं, इन बच्चों को एक सही डायरेक्शन दिखा रही हैं, बस इतना ही काफ़ी है। उनका काम होता है डायरेक्शन दिखाने का और उनको रिसोर्सेज देने का, बाकी सारा काम ये बच्चे करते हैं और फिर आगे आते हैं सोसाइटी में और फिर जा करके कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहती तो हैं बहुत कुछ करना, क्योंकि ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 10% बच्चों की भी मदद नहीं कर पा रही, बाकी के 90% मर रहे हैं, बेकार जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रही? वो करना चाहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि एक दो नहीं है, हजारों हैं जहां पर लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं, लेकिन सब बच्चों की हेल्प नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है, बस इतनी सी वजह है और कुछ नहीं है। सुनने में बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, या तो ना कि कोई करने वाला ही ना हो, अरे पैसा ही तो नहीं है, पैसा क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है, आ जाएगा कहीं से भी आ जाएगा। तो पैसा नहीं है, ये जड़ है। और अंदर तक जैसे ही मेरे को ये चीजें समझ आती चली गई तो मैंने ये प्लेज ले लिया, ये मेरा प्लेज है
कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक, जब तक इस दुनिया में एक भी बच्चा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अफ्रीका में नहीं, इस पूरी दुनिया में अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको उसका हक नहीं मिल रहा है, जिसको वो नहीं मिल रहा है जो उसका हक है, जो उससे कोई नहीं छीन सकता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं किसी हालत में, रुकने वाला नहीं हूं। एक के बाद एक तरह तरह के बिजनेसेस करता चला जाऊंगा और वहां से जितना भी पैसा आएगा वो सारा इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा। ऐसे लोगों को चुन चुन करके ढूंढूंगा हमारी सोसाइटी में से, जो कर सकते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं बिजनेस की दुनिया में, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है। उनको रिसोर्सेज मिलेंगे, उनको नॉलेज मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, जान लगा दूंगा उनको आगे बढ़ाने में, और वहां से जितना पैसा आएगा और वहां से जितना भी पैसा आएगा, करोड़ों अरबों खरबों रुपया, वो सारा इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा। उनमें और हमें क्या फर्क है, उनकी क्या गलती है अगर उनके मां बाप के पास में पैसा नहीं है? उनके मां बाप उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, मां बाप ने छोड़ दिया उनको गटर में। इन करोड़ों बच्चों की जिनके पास में सब कुछ है, टैलेंट है, क्वालिटीज हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे, क्यों? पैसा नहीं है और उनके माँ बाप उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? एग्जैक्टली, मैं लूंगा। बस इस सोच को हमको डेवलप करना है, और मैं आपको नहीं बोल रहा इस सोच को डेवलप करने के लिए, मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं कि मेरी सोच क्या है। जब ये पूरी प्रॉब्लम मुझे समझ आई और ये सॉल्यूशन समझ आया, तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही चीज निकल करके आई कि मैं लूंगा इन करोड़ों बच्चों की जिम्मेदारी, वो और किसी की नहीं है, वो सिर्फ इस पूरी दुनिया में मेरी है, सिर्फ मेरी है। अगर किसी को काम करना ही है दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे जो इन बच्चों से कराया जा रहा है, तो ये बच्चे नहीं करेंगे, मैं करूंगा। 24 घंटे में से 18 घंटे काम मैं करूंगा। मेरे हाथों में और पैरों में मेहंदी नहीं लगी हुई कि मैं बैठ करके टीवी देखूंगा और वो बच्चे वहां पर काम करेंगे, मैं करूंगा। इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है, और ये जिम्मेदारी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी को 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के बाद में दर्द से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, अकेले में कमरे में बैठ करके रोना ही है, तो वो बच्चा नहीं रोएगा, मैं रोऊंगा, मैं रोऊंगा, एक बार नहीं हजार बार रोऊंगा। दर्द किसी को होना ही है तो उस बच्चे को नहीं होगा, मुझे होगा, मैं सहूंगा दर्द, मैं करूंगा। और जब तक मैं ये नहीं कर लेता, मैं बैठने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं, चलता जाऊंगा। आप में से अगर कोई है जिसकी ऐसी सोच है, तो आओ हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो। रेवोल्यूशन इंडिया, यहां पर आकर के मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाओ और आगे बढ़ो। कमाओ जितना कमाना है, आगे बढ़ो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। अब आखिरी वजह, तीसरी वजह इस काम को करने की, जो 10 लाख रुपए आपको मिलने वाला है वो तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 रुपए भी आपसे वापस नहीं लेने वाला जिंदगी में कभी भी। यहां तक कि इन लोगों की थैंक्स भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई आकर के मुझे कहेगा ना थैंक यू, मैं कहूंगा थैंक यू सर, थैंक यू, बात खत्म, थैंक्स भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर ये सच में मेरे लिए कुछ करना चाहेंगे, तो इनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, सिर्फ एक, कि इनको आगे आना होगा, अपने बिलों में चूहों की तरह छुप करके नहीं बैठना होगा, आगे आना होगा खुल करके। और आगे आकर के ऐसे लोगों को ढूंढना होगा
ढूंढ ढूंढ करके निकालना होगा जिनको इनकी जरूरत है, और उनकी मदद अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से करनी होगी। मेरा मकसद ये सब करके, जो भी कुछ मैंने आज तक किया या आगे भी जो करने वाला हूं, वो किसी की बुराई करना नहीं है, बुराई से लड़ना नहीं है, बुराई को खत्म करना नहीं है। ये नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो अच्छाई जो मैं अभी आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, यहां पर बैठे हुए हर आदमी की आंखों में देख रहा हूं, झांक करके आपके दिल के अंदर देख रहा हूं, वो अच्छाई है इस दुनिया के हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी बुरा हो, अच्छाई है, बस छुपी हुई है, दबी हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है, सोई हुई है। उस अच्छाई को जगाना है।